दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम खून की कमी, खूनी बवासीर आदि में उपयोगी प्रयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों गन्ना खून की कमी, पीलिया, पाचन तंत्र की परेशानियों, गुर्दे, मूत्र रोगों, शरीर का पीलापन, कमजोरी, रक्त दोषों आदि में भी खूब उपयोगी माना गया है। तभी तो इसका रस आदि का वर्ष भर खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर खून की कमी, पांडु कामला रोग हो गया है, आंखें नाखून पीले दिखने लगे हैं, लीवर कमजोर हो गया है, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं, तो नियमित कुछ दिनों तक गन्ने के ताजे रस के एक दो गिलास सुबह खाली पेट पिलाने से शरीर व रक्त की खूब सफाई होने लगती है। गुर्दे, लीवर, पाचन तंत्र व मूत्र तंत्र को ताकत मिलने लगती है और रोग भागने लगते हैं। वहीं अगर खूनी बवासीर की परेशानी हो गई है, मल के साथ खून आता है, कमजोरी बढ़ने लगी है, तो ईख के रस में रात को 30 ग्राम किशमिश भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से तथा ऊपर से गन्ने का रस पिलाने से बहुत लाभ होता है और मल के साथ आने वाला रक्त रुक जाता है। ऐसा कुछ दिनों तक नियमित करना चाहिए। इस प्रकार गन्ने का रस खूनी बवासीर व खून की कमी आदि रोगों में भी बहुत उपयोगी है, लाभकारी है। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं गन्ने के बारे में और अधिक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।